जी, मैं एक नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहती हूँ, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये हलाल है या हराम? जी बताएं, थोड़ा ये बिजनेस होता है तो इसमें जोर से क्या बोलिए है बहन, थोड़ा जोर से। जी, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन इस टाइप का बिजनेस रहता है। इसमें क्या रहता है, ऑनलाइन बिजनेस रहता है कि जैसे आप अगर कस्टमर हैं तो आपने कुछ भी चीज परचेस किया तो आप मुझे अमाउंट देंगे, देन फिर उसका जो बाकी का अमाउंट रहेगा वो तो मैं पे कर दूंगी और कुछ अमाउंट उसमें मेरे को परसेंटेज मिलेगा। तो ये हलाल है कि हराम है? और वो डिलीवरी, मतलब वो डिलीवरी बॉय का ही काम रहेगा, मेरा उसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बस इतना रहेगा मुझे उनको कस्टमर्स लाकर देना रहेगा ओनली। अच्छा सिस्टर, कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए कि प्रोडक्ट बेचना नहीं है आपको, कोई भी आपका कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, जो जी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनको प्रमोट करना है हाँ, ओनली प्रमोट करना है। और जो बिकेगा उसमें आपको परसेंटेज मिलेगा, ऐसा कुछ है? हाँ, हाँ, ऐसा तो हलाल प्रोडक्ट्स हो जो आप प्रमोट कर रही हैं, हलाल प्रोडक्ट्स हो प्रमोट कर रही हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रमोशन का कमीशन जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग डॉक्टर को ट्रस्ट करते हैं कि डॉक्टर हमें जो लिख के दे रहा है वो टेस्ट करना है, लेकिन कई बार क्या होता है, वो डॉक्टर को टेस्ट के पैसे मिल रहे होते हैं, एडिशनल इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं, और डॉक्टर इसीलिए लिख रहा होता है ताकि उसको वो एडिशनल इंसेंटिव्स मिल जाए, हॉस्पिटलाइज भी कर देते हैं डॉक्टर्स, बाज डॉक्टर्स अपने कमीशन के लिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है, जैसे आप आपकी फ्रेंड है और उनको पता नहीं है कि आपको एक कमीशन मिल रहा है, मिल रहा है कमीशन, अपफ्रंट रखिए कि मैं इसके अंदर, ये मेरा बिजनेस है, मैं ये प्रमोट करती हूँ, मुझे उसके इंसेंटिव जो भी मिलते हैं, मतलब आप क्लियर कट रखेंगे, यानी ऐसा नहीं कि किसी के साथ किसी को लगे चीटेड फील करें। बाकी कमीशन आपका जायज है, हलाल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, झूठ बोल के प्रमोट नहीं करना है, गलत अनएथिकल तरीके से नहीं करना है, हलाल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। जी फौज भाई, आप कुछ और बोलेंगे? इसमें एक चीज और ऐड करूंगा बस मैं, कि ये प्रोडक्ट ऐसा करके ना बेचे कि ये प्रोडक्ट मेरा है, क्योंकि फिर वो ड्रॉप शिपिंग वाला मसला आ जाता है। प्रोडक्ट जी जिसका है जी वो उसका है, मैं आई एम जस्ट यू नो प्रमोटिंग, आई एम इन द न्यू कोर्स ऑफ प्रमोटिंग प्रमोशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। हाँ जी, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, मुझे फला इंसेंटिव, मेरा बिजनेस है, मेरा काम है ये, मेरा आई एम प्रमोटिंग इट। जी बहन, क्या ओके, इसमें आपको कोई चीज डिफिकल्टी लग रही है, जो हमने बताया उसमें कोई मुश्किल पेश आ रही है ये बात में? नो नो शेख, उसमें ऑप्शन यही रहता है कि मतलब मुझे अपना शॉप का नाम देना पड़ेगा, वो ओके, प्रोडक्ट गुड, उसमें रहेगा बट नाम मेरा रहेगा। ठीक है। मतलब अभी समझ में आया कि एक टाइप का ड्रॉप शिपिंग मॉडल है जिसके अंदर जो सारे प्रोडक्ट्स आपकी शॉप पे लिस्टेड होंगे वो आपके पास स्टॉक नहीं होगा, वो स्टॉक जी होगा सप्लायर के पास, वो सप्लायर, सप्लायर सप्लाई करेंगे आपको या सिर्फ कस्टमर। ओके, तो इस मॉडल के अंदर क्या होता है ना बहन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबू दाऊद में सही हदीस है कि ला यहिल्लु, हलाल नहीं है, रिबहु मालम तजमन, नफा हलाल नहीं है, उस हदीस में आगे आता है, यहां तक आके जमानत में ना ले लें, यानी कि पोजेशन जब तक ना मिले तब तक नफा क्या होता है, हलाल नहीं होता, यानी पोजेशन होना क्या है, लाजिम है। तो पोजेशन के ताल्लुक से, बल्कि इसमें कई सारी अहदीस है इस बारे में कि पोजेशन होना जरूरी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तभी मलाइसा इंदक, मत बेचो जो तुम्हारे पास नहीं है। तो पोजेशन होना लाजिम है, कंपल्सरी है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकती हैं कि आप एक ही कर सकती हैं कि मिसाल के तौर पर एक एक्स वाई जेड शॉप है, आप उनको प्रमोट करिए और कस्टमर्स को वहां भेजिए, आपका रेफरल कोड रहेगा कि जो कस्टमर्स आपके जरिए आए हैं उनको मालूम पड़ जाएंगे और वो कस्टमर्स में आपका कमीशन होगा। आप एक फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर के तौर पर या प्रमोट करने के तौर पर जिस तरह से आप कस्टमर्स को ला सकती हैं, आप वहां पर उनके रेफरल कोड से भेजिए, ये एक तरीका हो गया। सेकेंड तरीका ये हुआ कि आप 100 प्रोडक्ट बेचने की जगह आप 10 ऐसे मोस्ट फास्टेस्ट बिकिंग, बिकने वाले अच्छे बिकने वाले जो प्रोडक्ट्स है वो लेकर आप उनका स्टॉक लीजिए और फिर आप कोरियर शिपिंग करके नॉर्मल बिजनेस करिए। ये सेकेंड आइडिया है। हाँ, ये सेकेंड आइडिया है, एक है उनको उनको प्रमोट कर रहे हैं और सेकेंड है आप पोजेशन लेकर बेच रही हैं। और कोई पॉसिबिलिटी फौज भाई? नहीं बस ये है, बेहतर बात ये है कि प्रमोशन का ये चीज क्लियर कर दें कि मैं जस्ट जो है प्रमोट कर रही हूँ उस चीज को, अदरवाइज जो है ये प्रोडक्ट किसी और का, मैं सिर्फ प्रमोशन का मीन्स हूँ, रेफरल कोड वाली जैसे आपने बात बोली वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इस क्योंकि दूसरे बिजनेस में इनको पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा फंसेगा तो उसमें रिकवरी हो नहीं हो ये भी एक बड़ा चैलेंज है इनके लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। सिस्टर, आप ये बताइए कि कुछ ऐसा आप नहीं कर सकते जिसमें क्लियर कट दिखा हुआ हो कि ये आप नहीं सेल कर रही, ये एक्स वाई जेड सेल कर रहे हैं। ऐसा करके हो सकता है कि मार्केटेड बाय दिस सिस्टर दिस पर्सन एंड इट इज मार्केटेड बाय, यू नो, हाँ ऐसा करके सोल्ड बाय प्रोड्यूस बाय कौन से, मार्केटेड बाय, मार्केटेड बाय सोल्ड बाय एक्स वाई जेड, एग्जैक्टली मार्केटेड बाय एबीसी।
मार्केटिंग कर रहे हैं आप, मार्केटेड बाय, ये हलाल हो जाएगा, आप डाल देंगी वहां पर कि मार्केटेड बाय आपकी कंपनी, और सोल्ड बाय जी, सोल्ड बाय अच्छा सोल्ड बाय के अंदर फवाज भाई ये बताइए कि ये इसके अंदर अगर वो डिक्लेयर नहीं कर रही है कि ये मार्केटिंग कर रही है, किसका प्रोडक्ट है, वो उनका नाम डिक्लेयर नहीं हो रहा है, हाँ ये एक एंगल जो आप कैसा करें सिस्टर, जो हमारे आई प्लस टीवी पे एक और स्ट्रीम होती है दुक्तूर नसीम की, उसके अंदर क्या होगा, आप जरा उनसे ये कंफर्म करें कि क्या सेलर का नाम बताना लाजिम है एजेंसी में। देखिए मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, उर्वा रदलान हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वा रदलान को 2 दिरहम दिए और कहा कि जाकर एक मेंढी लेकर आए, 2 दिरहम में उन्होंने 2 मेंढियां ले लिए और फिर एक मेंढी को बेच दिए 2 दिरहम में और वापस लेकर आए 2 दिरहम और एक मेंढी, लेके गए थे कितना, 2 दिरहम लेके आए वापस, क्या 2 दिरहम और एक मेंढी लेकर आए शीप, तो यहां पर वो एज एन एजेंट परफॉर्म कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और उनके लिए बहुत दुआ किए उर्वा रदलान के लिए। इससे ये पता चलता है कि एक जो वकाला कहते हैं तो एजेंट जो होता है वो वर्क कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। अब यहां पर आप एज एन एजेंट वर्क कर रही हैं, यानी कि आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, वो सेलर का प्रोडक्ट है। अब सिर्फ दुक्तूर नसीम से ये पार्ट कंफर्म करिए कि वो सेलर का नाम वेबसाइट पे बताना लाजिम है या नहीं है। समझ रहे हैं आप मार्केटिंग कंपनी है, आप ये कह भी नहीं रही है, क्लेम भी नहीं कर रही है कि आप सेलर है, आप मार्केटेड बाय सो एंड सो कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रही है, प्रमोशन कर रही है, प्रमोशन प्रमोटेड बाय सो एंड सो, ऐसा करिए, लेकिन सेलर का नाम बताना लाजिम है नहीं है, वो सिर्फ चेक करना है। कई बार क्या होता है, कुछ बिजनेसेस को जब डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग जो शरिया स्कॉलर्स हैं, जो पीएचडी लेवल स्कॉलर्स हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि ताकि पता चले हलाल दायरा क्या है, उसके अंदर रहकर कैसे बिजनेस हो सकता है।